क्या कोई सोच सकता है कि 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर ठुकराकर 23 साल की उम्र में कोई लड़की इंडिया में अपना कुछ करना चाहती हो और उस स्ट्रगल के दौरान उसको 10,000 रुपए तक की नौकरी भी करनी पड़ी हो और उसके बाद ऑनलाइन मोड का यूज करके 750 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी खड़ी कर दी हो। मैं बात कर रहा हूं विनीता सिंह की, जिनको आपने शार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम में भी रिसेंटली देखा होगा। विनीता सुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर व सीईओ हैं। विनीता को फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने अपने कवर पेज पर भी जगह दी है। आइए जानते हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और कामयाबी की जर्नी के बारे में, जिससे आपको बड़ा बिजनेस लेसन सीखने को मिलेगा और आप इसको अपने बिजनेस के साथ भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। विनीता सिंह के पिता मिस्टर तेज सिंह एम्स में साइंटिस्ट थे। 72 वर्षीय तेज सिंह ने कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए दवाओं के विकास को सक्षम करने के लिए प्रोटीन संरचनाओं की खोज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। सुगर कॉस्मेटिक्स विनीता सिंह का तीसरा स्टार्टअप है। उन्होंने सबसे पहले साल 2007 में अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत की थी। आपको मालूम होना चाहिए आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएशन करने के बाद विनीता को एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक में 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया था क्योंकि वह अपना कुछ करना चाहती थी। उस वक्त विनीता 23 साल की थी। साल 2007 में विनीता ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया जो कि रिक्रूटर्स को कैंडिडेट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विसेज मुहैया कराता था, लेकिन यह स्टार्टअप फेल हो गया। इसके बाद साल 2012 में विनीता ने फैब बैग को शुरू किया। यह एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस था जो महिलाओं को एक छोटी सी फीस पर हर माह ब्यूटी प्रोडक्ट्स का असॉर्टमेंट उपलब्ध कराया करता था। फैब बैग से जुड़ी महिला ग्राहकों ने विनीता सिंह के साथ अपनी पसंद, त्वचा की समस्याओं और नापसंद को साझा किया। तब विनीता ने डेटा का अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि इंडिया में उपलब्ध विदेशी या स्थानीय मेकअप ब्रांड भारतीय स्किन टोन या भारतीय जीवन शैली पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। विनीता का मानना है कि मेकअप लंबे समय तक चलने वाला और मैट होना चाहिए ताकि अगर कोई ग्राहक लोकल ट्रेनों या प्रदूषित सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है तो उसका मेकअप ना उतरे। इन जानकारियों के साथ विनीता ने 2015 में सुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की। विनीता के मुताबिक महिलाओं को विंग्ड आईलाइनर खरीदने से पहले उसका इस्तेमाल कैसे करें यह सीखना बहुत जरूरी है। टीम ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सुगर के अपने ऐप का इस्तेमाल किया। शुरुआत में सुगर कॉस्मेटिक्स ने तय किया कि कंपनी वहां मौजूद रहेगी जहां पे उसके ग्राहक खरीदारी करते हैं, चाहे वह कोई लोकल शॉप हो या शॉपर स्टॉप हो या नायका हो। सुगर कॉस्मेटिक्स के 130 से अधिक शहरों में 2500 से ज़्यादा आउटलेट हैं और कंपनी की वैल्यूएशन 750 करोड़ रुपए की है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू 105 करोड़ रुपए रहा था। सुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआती सालों में अगर रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए से भी कम था। अब कंपनी की बिक्री एक दिन में 2 करोड़ रुपए है। सुगर कॉस्मेटिक्स को विनीता सिंह ने और उनके पति मिस्टर कौशिक मुखर्जी ने मिलकर शुरू किया है। तो आप सोच सकते हैं कि विनीता सिंह ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है 10,000 रुपए की नौकरी से लेके 750 करोड़ रुपए का टर्नओवर, या आसान बात नहीं है। और 1 करोड़ का जॉब छोड़ना और उसके बाद किसी बिजनेस को स्टार्ट करना यह अपने आप में भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि विनीता सिंह ने शॉपिफाई को चूज किया था, ऑनलाइन मोड में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, तो यह इनके लिए बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन मोड से स्टार्ट किया और उसके बाद ऑफलाइन मोड में भी आ गया और धीरे धीरे इंडिया के सारे कोनों में पहुंच गया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।